ये है डिजिटेक की लेटेस्ट आरजीबी स्टिक लाइट, और इस लाइट को इस्तेमाल करके अभी जो आप बी रोल शॉट देख रहे हैं वो मैंने शूट किया है, और ये ही नहीं इसी तरह के बहुत सारे क्रिएटिव शॉट्स आप इस लाइट को यूज करके अपनी फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी में ले सकते हैं। अब प्रैक्टिकली इस लाइट में क्या नया आया है, क्यों ये बाकी लाइट से अलग है, क्या क्या इसमें बेस्ट फीचर्स है, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग से। मैं आपको बॉक्स से निकाल के दिखाता हूँ कि किस तरह की ओवरऑल पैकेजिंग है। तो जैसे गाइज आप बॉक्स को ओपन करेंगे आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की यहाँ पे पैकेजिंग देखने को मिलेगी जिसके अंदर इस स्टिक लाइट को दिया गया है। तो अनबॉक्सिंग करने के बाद सबसे पहली इंप्रेसिव चीज जो हमें देखने को मिलती है वो है इसका कैरिंग केस। इतना अच्छी क्वालिटी का कैरिंग केस मैंने बहुत ही कम स्टिक लाइट के साथ देखा है। यूजली इतना अच्छा नहीं आता, बहुत ही नॉर्मल आता है, लेकिन इसकी क्वालिटी सच में अच्छी है। जो बिल्ड है बहुत अच्छी है, मतलब अगर आप कहीं पे इसको लेके भी जाएंगे साथ में तो बहुत सेफ आपका जो है स्टिक लाइट रहेगा। तो अब करते हैं इस कैरिंग केस को ओपन। तो सबसे पहले ऑन टॉप हमें देखने को मिलती है स्टिक लाइट, इसको हम रखते हैं साइड में, बाद में देखेंगे डिटेल में। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक यूजर मैनुअल देखने को मिलता है और यहाँ पे दो डिफ्यूजर दिए गए हैं जो पहले मैंने नहीं देखे अभी तक स्टिक लाइट में। जो मैंने इससे पहले रिव्यू करी थी उसमें नहीं मिलता था, लेकिन अब जो है मेरे को नई चीज जो है देखने को मिली है कि अब हम अलग से डिफ्यूजर लगा सकते हैं स्टिक लाइट के आगे। इसके अलावा जो है दूसरा डिफ्यूजर है जो कि अलग तरीके से काम करता है, तो दो डिफरेंट डिफ्यूजर हमें इस तरह से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें दो ग्रिड देखने को मिलते हैं ताकि आप जो है लाइट को और भी ज्यादा बेटर वे में डिफ्यूज कर सके और भी डायरेक्शनल वे में उसको डाल सके। तो ये है दो डिफ्यूजर जो हमें इसके साथ में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें जो है एक टाइप सी केबल यूएसबी कनेक्शन के साथ में देखने को मिलती है। तो ये जो है कंप्लीट हमें इसकी पैकेजिंग में ओवरऑल सारी चीजें देखने को मिलती है। अब मैं गाइस आपको लाइट का डिजाइन डिटेल में दिखाता हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस लाइट की बिल्ड क्वालिटी की। तो देखो गाइस इससे पहले मैंने बहुत तरह की लाइटों को रिव्यू किया है, लेकिन इस लाइट की जो क्वालिटी है वो वाकई काबिले तारीफ है। बहुत ही मेजर अपग्रेड हमें जो है क्वालिटी में देखने को मिलता है डिजिटेक की तरफ से। क्योंकि गाइस जब हम कोई भी प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को इन हैंड फील करते हैं, तो हमें इजीली पता चल जाता है कि क्वालिटी कैसी लगाई गई है, क्योंकि हम डेली इस तरह के प्रोडक्ट्स को रिव्यू करते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे हमें बांड डोर्स देखने को मिलते हैं। बांड डोर्स की मदद से आप लाइट को बहुत ही डायरेक्शनल वे में यूज कर सकते हैं। अगर आपको लाइट को कंट्रोल करना है इधर से उधर, जो है आप एक नैरो वे में लाइट को इम्पैक्ट डालना चाहते हैं इजीली डाल सकते हैं। अगर आप वाइड करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज यहाँ पे बांड और हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी के देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे जो इनका हिंज है वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है। ऐसा नहीं कि बहुत ही चीपर क्वालिटी का लगाया हो। यहाँ पे हमें नई तरह की LED का डिज़ाइन देखने को मिलता है, और आई होप जो है ये प्रैक्टिकली बहुत इम्पैक्ट डालता हो। जो नया डिज़ाइन है यहाँ पे, और भी बड़ी LEDs अब हमें देखने को मिलती है। पहले छोटी दिखती थी लेकिन अब जो है बड़ी कर दी गई है, और यहाँ पे आई थिंक जो इसका डिज़ाइन है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा जब हम इस लाइट को यूज़ करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। और यहाँ पे हमें बहुत ही बड़ी जो है हैंडल ग्रिप देखने को मिलती है ताकि जो आप इजिली इसको यूज़ कर सके। अगर आपका बड़ा हाथ है तो भी आपका जो है हाथ इजिली इस लाइट को इजिली होल्ड कर पाएगा। पीछे की तरफ हमें सेम यहाँ पे ग्रिल डिज़ाइन देखने को मिलता है, और ये जो बॉडी है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब इसको हाथ में यूज़ करेंगे तो बहुत ही चीपर लगे, बहुत ही बेटर क्वालिटी का यहाँ पे जो है मटेरियल यूज़ किया गया है। यहाँ पे डिजिटेक की ब्रांडिंग और बाकी सारी चीज़ें दे रखी है, और यहाँ पे है कुछ बटन कंट्रोल्स और LED डिस्प्ले जो मैं आपको अब डिटेल में दिखाता हूँ। तो बेसिकली हमें यहाँ पे चार बटन कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। एक ऑन और ऑफ करने का स्विच है, और एक है टाइप सी पोर्ट जहाँ पे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको पावर ऑन कर लेते हैं। तो पावर ऑन करने के बाद यहाँ पे हमें LED डिस्प्ले देखने को मिलते हैं जहाँ पे सारी जानकारी इस लाइट की आती है। तो सबसे पहले बात करें एम बटन की, तो ये है मोड बटन, और जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट मोड में जा सकते हैं। जैसे कि गाइज अभी ये जो लाइट है ये है नॉर्मल व्हाइट LED मोड में, जिसमें हम वार्म टोन और कूल टोन दोनों कर सकते हैं। लेकिन अब मैं चाहता हूं मैं इसको RGB लाइट में स्विच करूं, तो मैं एम बटन को दबा के इजिली कर सकता हूं, और यहाँ पे हमें ह्यू सैचुरेशन और उसकी इंटेंसिटी देखने को मिलती है, और यहाँ पे कितनी देर ये लाइट चलेगी वो भी दिखाता है, और बैटरी कितनी वो भी दिखाता है। ब्लूटूथ अनेबल है या फिर नहीं है वो भी हमें जानकारी देखने को मिलती है। फिर मैं अगेन अगर मोड बटन दबाता हूं तो गाइज यहाँ पे मेरे को डिफरेंट डिफरेंट जो लाइटिंग के इफेक्ट्स वाले मोड है वो देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से मैं तीन मोड में जा सकता हूँ, नॉर्मल मोड, CCT मोड, और अगला है स्पेशल इफेक्ट्स मोड। इस तरह से गाइज हमें सारी जानकारी मोड के हिसाब से यहाँ डिस्प्ले में देखने को मिलती है, और आप इन बटन्स की मदद से सारी इंटेंसिटी और सारे मोड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस तरह से गाइज ये जो बटन है इसकी मदद से गाइज आप जो है स्पेशल इफेक्ट्स अलग अलग चेंज कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपको नेक्स्ट चेंज करना है इफेक्ट तो यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह से गाइज डिफरेंट डिफरेंट आप जो है
मोड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और इस बटन से नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप सी पोर्ट है और ये है ऑन और ऑफ करने का स्विच। तो ये है कंप्लीट इसके बटन कंट्रोल्स। और बात करें गाइज यहाँ पे माउंट करने की, तो इस तरफ गाइज आपको जो है यहाँ पे स्क्रू देखने को मिलता है जहां पे आप जो है ट्राइपॉड को अटैच कर सकते हैं। अब आप में से काफी सारे लोगों के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि इस डिफ्यूजर को इस लाइट के साथ अटैच कैसे करना है। तो यहाँ पे हम एक जगह दे रखी है और यहाँ पे लॉक दे रखा है। इस जगह पे लॉक को अनलॉक करके आपने सिंपली स्लाइड इन करना है और इस तरह से गाइज स्लाइड इन करके आप लाइट के आगे डिफ्यूजर को अटैच कर सकते हैं। अब जो भी लाइट गाइज इस स्टिक लाइट से निकलेगी वो बहुत ही बढ़िया डिफ्यूज होके निकलेगी। और अगर आप गाइज लाइट को और भी डायरेक्शनल करना चाहते हैं तो इन ग्रिड्स को इजिली अटैच कर सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ पे इनको इस तरह से पुश करना है और ये जो है यहाँ पे अटैच हो जाएंगी। तो हाफ ग्रिड गाइज नीचे लगती है और हाफ जो है ऊपर लगती है, तो पूरा एरिया हम इस तरह से कवर कर सकते हैं। अब एज यू कैन सी ये जो है अटैच हो चुकी है। अब मैं जो भी लाइट इम्पैक्ट डालूंगा अपने सब्जेक्ट के ऊपर वो बहुत ही डायरेक्शनल वे में जाएगा। और पता है गाइज इस स्टिक लाइट में न्यूली डिजाइन ब्राइट और लार्ज साइज 72 LED है जिसको डिवाइड किया गया है 3 सेक्शन में, यानी कि इसमें 24 LED लाइट्स जो है व्हाइट है, 24 वार्म है और 24 RGB है। तो आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है जिसकी मदद से गाइज आपको जो है ब्राइट लाइट का इम्पैक्ट देखने को मिलता है हर मोड में। चलिए गाइज अब करते हैं इस लाइट को प्रैक्टिकली टेस्ट। तो सबसे पहले मैं जो मेन लाइट है मेरी की लाइट उसको मैं ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने लाइट ऑफ कर दिया। अब मैं जो भी इम्पैक्ट अपने फेस पर डालूंगा लाइटिंग का वो मैं डालूंगा इस स्टिक लाइट से। और मैंने अभी इसको नॉर्मल मोड में डाला हुआ है जिसमें हमें वार्म टोन और कूल टोन देखने को मिलते हैं। तो इंटेंसिटी भी 1% पे, इसको सबसे पहले मैं इंटेंसिटी को यहाँ से बढ़ा देता हूँ और इंटेंसिटी गाइज मैं इसकी करता हूँ 50% पर, जिससे आपको बेटर आइडिया होगा। और केल्विन की गाइज मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें जो केल्विन पावर है वो सबसे लीस्ट यानी कि सबसे जो कम है वो हमें देखने को मिलती है 2500। और मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम गाइज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है 9900 की। तो कलर टेम्परेचर गाइज आप जो है अपने अकॉर्डिंग इसमें सेट कर सकते हैं 2500 टू 9900 तक। अब गाइज मैं अपने फेस पर इंपैक्ट डालता हूँ 50% इंटेंसिटी के साथ में और मैंने बार्न डोर जो है इसके अपने ऊपर कर रखे हैं। तो एज यू कैन सी इस तरह से ये लाइट जो है इंपैक्ट डालती है। मैं दूसरी लाइट भी ऑफ कर देता हूँ जिससे आपको बेटर आइडिया होगा। तो अब मैंने मेन लाइट भी ऑफ कर दी और आपको गाइस इंपैक्ट दिख रहा होगा कि इस बांडोर होने की वजह से कैसे मैं लाइट को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। मेरे बैकग्राउंड में जो है ज्यादा लाइट नहीं जा रही, मेरे आस पास ज्यादा लाइट नहीं जा रही, सिर्फ मेरे फेस पर और मेरी टी शर्ट पर लाइट जा रही है। अगर मैं इसको इस तरह से मूव करता हूँ तो एज यू कैन सी जो लाइट है किस तरह से इंपैक्ट डाल रही है मेरे फेस के ऊपर। एक सिनेमेटिक टच जो है मेरे फेस पर आ रहा है, एक सिनेमेटिक लाइटिंग इफेक्ट मेरे फेस पर आ रहा है। तो बार्न डोर का सबसे बड़ा फायदा यही है। अगर मैं बार्न डोर को और भी नैरो करता हूँ तो गाइज एज यू कैन सी जो लाइट है और भी नैरो होती जा रही है। तो इस तरह से गाइज आप जो है लाइट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मैं लाइटिंग को वापस से ऑन कर देता हूँ सारी, जिससे आपको बेटर आइडिया होगा। तो अभी मैं क्या कर रहा था, मैं इसकी जो बार्न डोर है इसको एडजस्ट कर रहा था जिसकी वजह से लाइट कम या फिर ज्यादा बाहर आ रही थी। तो सबसे पहला बढ़िया फीचर मेरे को इस लाइट का ये लगा, जो बार्न डोर यूज करने वाला फीचर है वो बहुत कमाल का है, जिसकी वजह से हम जो है बहुत ही बढ़िया लाइटिंग इफेक्ट डाल सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है गाइज, ये जो आगे इसकी ग्रिड लगी हुई है ना, इसकी वजह से भी बहुत लाइट डायरेक्शनल हो जाती है, लाइट इधर उधर फैलती नहीं है। जहां पे भी मैं इसकी डायरेक्शन कर रहा हूँ वहीं पर लाइट आती है। तो अभी 50% पे है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो कलर टेम्परेचर है वो बढ़ा देता हूँ। तो अभी 2500 पर 50% है, मैंने अब कलर टेम्परेचर इसका शिफ्ट कर दिया है सीधा 9900 पर। और इंटेंसिटी गाइज मैं इसकी कर रहा हूँ 70% पर। तो अब 70% पर इंटेंसिटी और एज यू कैन सी जो टोन है मेरे फेस पर किस तरह की आ रही है। मैं एक बार फिर से लाइट ऑफ कर देता हूँ जिससे आपको बेटर आइडिया होगा कि किस तरह से जो है ये ओवरऑल इम्पैक्ट डालती है फेस के ऊपर। अब मैंने जो है कूल टोन जो है 9900 केल्विन पर कर दिया है, जिससे आपको बेटर आइडिया हो रहा होगा कि किस तरह से लाइट जो है परफॉर्म करती है। अब देखिए गाइस जिस तरह से मैं डायरेक्शनल वे में किसी भी तरह से लाइट डाल सकता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मेरा कोई सब्जेक्ट है, कोई भी मेरी ऐसी चीज़ है जिसका मैं बी रोल बनाना चाहता हूँ, कोई भी सिनेमेटिक शॉट लेना चाहता हूँ, मान लीजिए मेरे हाथ में कैमरा, तो मैं इस तरह से गाइस लाइट को मूव करके बहुत ही बढ़िया सिनेमेटिक शॉट ले सकता हूँ। तो इस तरह से गाइस ये लाइट काम करती है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, जो डायरेक्शनल वे में ये लाइट डालती है बहुत ही प्रीसाइज है, अटेंशन टू डिटेल जो है बहुत कमाल किया इस प्रोडक्ट की, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रिड और बार्न डोर है वो बहुत ही प्रीसाइजली काम करती है। इसके अलावा अब जो गाइस नेक्स्ट मोड है वो है RGB मोड, जिसमें हम ह्यू सैचुरेशन और इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं मोड को स्विच कर लेता हूँ। अब एज यू कैन सी लाइट का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं गाइस ह्यू को चेंज करके बहुत तरह के कलर्स इसमें से निकाल सकते हो। अब ह्यू 160 के ऊपर है और सैचुरेशन गाइस मैंने कर दी है 30% पर, इंटेंसिटी 72% पर है।
सैचुरेशन को हम सेट कर देते हैं 45, ये सही रहेगी सेटिंग, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो सैचुरेशन 40 है, ह्यू 160 है और इंटेंसिटी 72% है। अब लाइट का इंपैक्ट आप देख सकते हैं, एक बार फिर से लाइट ऑफ करते तो सारी, ताकि आपको बेटर आइडिया हो जाए। अब देखिए गाइस, इस तरह से आरजीबी लाइट को आप कंट्रोल कर सकते हैं, और जो भी आप सिनेमेटिक शॉट लेना चाहते हैं इस तरह से लाइट का कलर चेंज करके ले सकते हैं। अब आरजीबी मोड के बाद नेक्स्ट मोड है स्पेशल इफेक्ट मोड, तो उसको हम सिलेक्ट करते हैं। यहां से मैंने अगेन एम बटन प्रेस कर दिया है, और एम बटन प्रेस करने के बाद अब आता है स्पेशल इफेक्ट वाला मोड। एज यू कैन सी लाइट ब्लिंक कर रही है, तो हमें बहुत तरह के यहाँ पे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी जो मोड मैंने सिलेक्ट कर रखा है वो है स्ट्रोब लाइट 2। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, नेक्स्ट मोड में जाता हूँ, तो गाइज यहाँ पे मैं इस तरह से चेंज कर सकता हूँ, मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। तो अब नेक्स्ट मोड आ गया है स्ट्रोब लाइट 3, उसके बाद है चेज स्लो, उसके बाद है चेज मिड, चेज फास्ट। एज यू कैन सी कलर्स जो है चेंज हो रहे होंगे, मैं आपको आगे डिटेल में भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं एक बार सारे मोड्स को आपको क्विकली दिखा दूं, और मैं लाइट ऑफ कर देता हूं जिससे आपको बेटर आइडिया होगा। तो अब देखिए गाइस, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मोड मैं चूज कर सकता हूं, इस तरह से लाइट के इंपैक्ट इसमें अलग अलग आते हैं, पुलिस का, एम्बुलेंस का, या फिर फायरवर्क का, इस तरह से बहुत सारे इफेक्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मैं बार्न डोर्स को और ओपन कर देता हूँ, और गाइज अब मैं इसकी ग्रिड भी हटा देता हूँ जिससे आपको बेटर आइडिया होगा कि अगर हम ग्रिड हटाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। अब मैंने गाइज लाइट के आगे से ग्रिड हटा दी है, जिसकी वजह से लाइट थोड़ी सी फैल के आ रही है, और इंटेंसिटी भी काफी ज्यादा इंपैक्टफुल लग रही है जब हम बाहर देख रहे हैं, इसके ऊपर सब्जेक्ट के ऊपर देख रहे हैं। तो गाइज अब मैं अपने ऊपर आपको लाइट डाल के दिखाता हूँ, तो सारी लाइटें मैंने कर दिया ऑफ। अब एज यू कैन सी, इस तरह से गाइज हमें लाइट में फर्क देखने को मिलता है अगर हम आगे से ग्रिड हटाते हैं। पहले क्या हो रहा था, ग्रिड की वजह से लाइट बहुत डायरेक्शनल थी, तो मेरे ऊपर ही आ रही थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड के ऊपर भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, तो लाइट बहुत ज्यादा फैल चुकी है। और मैंने बार्न डोर्स भी पूरे ओपन कर रखे हैं, अगर मैं बार्न डोर्स को बंद कर देता हूँ तो लाइट को आप देख सकते हैं किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो पूरे बार्न डोर्स को वापस खोलते हैं, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मोड हमें इस लाइट में देखने को मिलते हैं, और इंटेंसिटी सच में काबिले तारीफ है। मतलब मेरे को लग रहा है कि शायद जो है ओवर एक्सपोज मेरी वीडियो हो गई होगी, लेकिन गाइस 72% मैंने इसकी इंटेंसिटी कर रखी है, और आप देख सकते हैं बहुत तरह के इफेक्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसकी मदद से हम जो है बहुत ही क्रिएटिव सिनेमैटिक वीडियोस बना सकते हैं। ये देखिए गाइस, अगर मैं इस तरह से कोई भी शॉट लेता हूँ तो इस तरह से बहुत बढ़िया सिनेमैटिक लाइटिंग कर सकता हूँ। तो बहुत तरह के मोड्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल इसमें हमें टोटल 24 स्पेशल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, या फिर थीम के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस लाइट की मैक्सिमम पावर की। तो ये लाइट की मैक्सिमम पावर है 30 वॉट, और आज के टाइम में बहुत सारे लोग गोडोक्स की LC500 यूज करते हैं, जिसकी पावर होती है 23 वॉट। अब आप समझ जाइए कि इसकी पावर उससे कितनी ज्यादा होगी, और इसकी इंटेंसिटी कितनी कमाल की होगी। और बात करें गाइज इस लाइट में बैटरी पावर की, तो इस लाइट में हमें 5200 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसको आप टाइप सी से चार्ज कर सकते हैं, और इन केस अगर इसकी बैटरी खत्म हो भी जाती है, पूरी डिस्चार्ज आप कर देते हैं, तो आप पावर बैंक को अटैच करके फिर भी कॉन्टिन्यूसली इस लाइट को यूज कर सकते हैं। अब इस लाइट को यूज करते वक्त मैंने जो है एक चीज बहुत बढ़िया रियलाइज करी कि इसका जो वेट है बहुत ही लाइट है, सिर्फ 1.1 kg की लाइट है। तो अगर आप इंडिविजुअली शूट करते हैं, आप एक हाथ में कैमरा से वीडियो कोई भी शूट कर रहे हैं, या फिर फोटोग्राफी शूट कर रहे हैं, और एक हाथ से लाइट का इंपैक्ट डालना चाहते हैं, बहुत आसानी से डाल सकते हैं, बहुत लाइट वेट है, आप सिंगल हैंड ऑपरेशन से इस लाइट को ऑपरेट कर सकते हैं। और पता है गाइज, ये लाइट जो है ऐप सपोर्ट भी करती है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल से इस ऐप को कंट्रोल कर सके, बहुत ही आसान है, आपने सिंपली ब्लूटूथ की मदद से इस लाइट को अपने फोन के साथ कनेक्ट करना है, और आप इनकी ऐप की मदद से इजिली इस लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट मोड्स को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अब इस लाइट का डिजाइन देख लिया, फीचर्स देख लिया, ओवरऑल सारी चीजें देख ली, लेकिन अब बात आती है कि इसका प्राइस कितना है। तो गाइज ये हमें देखने को मिलती है 9500 रुपीज की, और हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि ये लाइट जो है 9500 की आती है, और वैसे हमें स्टिक लाइट अगर हम देखें तो मार्केट में वो आती है 4 से 5 हज़ार रुपए की, 6 हज़ार रुपए की, तो इसमें ऐसा क्या है। तो सबसे पहली चीज गाइज क्वालिटी, ये जो क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है नॉर्मल स्टिक लाइट के कंपैरिजन में। दूसरा, इसके साथ जो एक्सेसरीज हमें देखने को मिलती है वो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स है, मतलब बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की है। अब देखिए गाइस, हमें डिफ्यूजर जो है इसमें डिटैचेबल देखने को मिलता है, 2 डिफ्यूजर देखने को मिलते हैं, बार्न डोर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और ग्रिड भी देखने को मिलते हैं, और सबसे अच्छी बात जो इंटेंसिटी है और जो LED बल्ब है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और इम्पैक्टफुल है। तो सबसे बड़ी बात आती है क्वालिटी की, तो क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है, और एक्सेसरीज भी सच में काम की है। आपको वीडियो देख के आइडिया हो गया होगा कि कितना फर्क पड़ता है इन एक्सेसरीज से जब हम इस लाइट को प्रैक्टिकली यूज
करते हैं। और इन सभी चीजों के अलावा मेरे को एक चीज बहुत बढ़िया लगी, जो डिजिटेक ब्रांड ने इस लाइट के साथ कैरिंग केस दिया वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। तो ओवरऑल गाइज हमें एक प्रीमियम फील इस लाइट के साथ आती है। बाकी आपको ये लाइट गाइज कैसी लगी, इसकी इंटेंसिटी, इसके बाकी सारे मोड्स कैसे लगे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। एंड इस लाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। बाकी गाइज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेक श्योर गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।